भोले बाबा को लेकर के पूरे देश में चर्चा है और हाथरस में जिस तरह की घटना हुई आपने देखा, तो ये भोले बाबा का आवास है। जब वो सिपाही थे तो यही रहा करते थे, तो भोले बाबा के तमाम समर्थक भी यहाँ, कुछ विरोधी भी आ गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे भोले बाबा के आवास के सामने जो समर्थक जुटे हैं उनसे बात कर लेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। आप लोग भोले बाबा के समर्थक हैं? भोले बाबा के क्या कहेंगे? भोले बाबा को रहेंगे क्यों बैठे हैं, क्या कहना आपका? हम जो करेंगे क्यों बैठे हैं जहाँ पे कुटिया पे जेता नारा नदी के है। कुटिया है तो हम नमन करके चले जाते हैं, तो जी चौन लोग बैठे हैं। आप क्या चाहती हैं? हम तो यहाँ कह रहे हैं कोई नहीं है और कुछ ना चाहिए बस, इस समय अब जो समाधान चल रहा है वो होगा। अच्छा, बाबा ने तो बोल दिया, बाबा तो दुख जता दिए, क्या कहेंगे? तो वही तो कह रहे हैं अब मुझे अब ऐसा दिखावा ना करना चाहिए और हरीश पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, हम बात समय पे हम भी थे उस पंडाल में। क्या हुआ था बताइए, कैसे? भगदौड़ ही मची है, भैया लोग घुसे हैं तो भाई ऐसे ऐसे ढकेलते गए, भगते गए बाबा, 8-10 लोग ऐसे थे तो वो ढकेलते गए। तो तमाम लोग बाबा पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, देखिए आपके सामने बैठे हैं। कोई गलती नहीं है, वो तो जा चुके थे, वो तो निकल चुके ना, वो निकल गए और के बाद में जब भागदौड़ जैसे उठ उठ के भगे ना, तो भैया आए वहाँ 5-4 और ढकेलते गए और रूंधते गए सबको पैरते। वो ऐसे लोग थे, वो सत्संगी नहीं थे, वो ऐसे ही भगदौड़ मचाने वाले मारने वाले थे वो लोग। तब वो पब्लिक को इनको पैरते पैर धते हुए छाती पे पैर धते हुए जहाँ उनको पैर पड़े वहाँ चलते गए कूदते हुए और ढक्का मारते गए। तो ये बाबा का आश्रम इसके सामने ही बैठ गए, हाँ यही तो हम इनसे कह रहे भाई अब क्यों बैठे हैं आप, क्या परेशानी है, क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं? लग रहा है राजनीति कर रहे हैं। हाँ यही तो पूछ रहे हैं भैया क्यों बैठ गए यहाँ पर, क्या मांग रहे हैं, वो समाधान हमें तो बता दो, क्या क्या चाहिए तुमको। आप भी कुछ कहेंगे बाबा को लेके? जय बहन जय बोल रही है, हम बोल रहे हैं, हम तो अपने नमन करके चले जाते हैं, हमें तो खूब हरी जी दे रहे हैं। हाँ और 1 रुपया लेते नहीं है, देते ही देते हैं ना, कोना कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ मिलता ही मिलता है। इस दर पे सुख मिलता है, बनते जाएंगे तो सुख मिलता है, कभी दुख नहीं पाता है, और सब चीज की पूर्ति करते हैं। तो सब चीज की पूर्ति करते हैं ये लोग हैं जो बाबा के समर्थक हैं, और इसके अलावा जो धरना चल रहा है उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब तमाम लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल इन बाबा के समर्थकों को देखिए और ये मामला कहां तक जाएगा अभी इंतजार करना होगा। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।